हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। बहुत दिनों के बाद फिर से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के किए थे, सो आज कंटिन्यू कर रही हूँ 2020 से 21। एवरी फ्राइडे आईओएम का लेक्चर आएगा। अगर आपको मीनवाइल और कोई चैप्टर का चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो हो सके तो मैं सैटरडे डाल दूँगी। मेरा शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि कौन से दिन में कौन सा वीडियो आएगा। और तो अब हम 2020-21 का सेट ए कर रहे हैं, ठीक है। सेट ए में देखिए, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन नंबर्स है वहाँ पे। सो सेट ए में 27 और 32 है फर्स्ट चैप्टर में से, क्वेश्चन नंबर 27 और 32, ठीक है। और सेट बी में 16 और 18, ठीक है। मतलब ये क्या है पता है, ये ऐसा नहीं है, बोर्ड स्टाइल नहीं है कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 यही चैप्टर में से आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से हमको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो उतना पता चल जाता है कि कौन से टाइप के सम ज़्यादातर आईएमओ में आते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और हम देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है इसके अंदर। सो द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा। सो ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 a × रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी नीचे क्या होगा, आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ये होगा ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सीधा सीधा ये जो टर्म है वो चला गया। अब ए स्क्वायर कितने हैं, 4 है, सो 4 a² माइनस ये बी स्क्वायर कितने हैं, 2 है, तो माइनस 2 b², ठीक है। अपॉन ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 4 a² माइनस 2 b² अपॉन बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है, न्यूमरेटर क्या है इसका, तो न्यूमरेटर क्या है, ये डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो हमने कितने मिनट में, 2 मिनट में हो गया। तो मतलब ऐसे सम्स है ना, ऑलवेज 2 मिनट में ही किए जाते हैं। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 43। सो लेट एक्स इक्वल्स टू 23.434343 एंड सो ऑन। अब दो रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ द साइड्स, सो ये क्या होगा इनटू 100, तो दो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 23.434343 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 23.434343 माइनस 23.4343। अब इसको माइनस करो, देखो 243.4343 और ये होगा 23.4343, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये तो क्या होगा, ज़ीरो हो गया, ये 0232 और ये 99। एक्स इज इक्वल टू 2320, सो एक्स इज इक्वल टू 2320 अपॉन 99, ठीक है। तो हमने ये 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा में ये सम हो गया, और ऐसे सम्स ही आते हैं। नेक्स्ट, और देखिए जब भी आपको मतलब अगर टाइम कंस्ट्रेंट है,
ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो टाइम ज़्यादा होगा। अब जैसे देखो मैं है ना, ये जो MCQ है तो मैं ये पूरा स्टेप है ना स्किप कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब ये लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है वहाँ पे, मुझे सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा टिक करना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैं खुद ऐसे डायरेक्टली यही कर सकती थी, तो मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाता। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, सो टाइमर नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 3^-3 × 2² × 3² हमने क्या किया, ये 6 × 2 × 3² हो गया। अब ये क्या है, ये है √98। देखो √98 को हम कैसे लिख सकते हैं, √49 × 2, मतलब कि 7√2 हुआ, ठीक है। सो 7√2 होल अपॉन यहाँ पे 5² × 5^-2/3 × 3^-4/3 × 5^-4/3 × 3^-1/3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, 3^-1 हो गया। ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हमें अभी टच नहीं करना है, ज़रूरत पड़े तो हम करेंगे। सो ये 5^-2 − 2/3 − 4/3 × 3^-4/3 + 1/3, तो ये देखिए 3^-1 × 28√2 होल अपॉन 5^-6 − 2 − 4 / 3 × 3^-4 + 1 / 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3^-1 × 28√2 होल अपॉन 3^-6 − 6, मतलब ये 0, ये 5^-0 हो गया, × 3^-1, मतलब कि ये भी गया, ठीक है, और ये 5^-0 मतलब 1, तो आंसर इज व्हाट, 28√2। सो ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, येस दिस इज करेक्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, येस दिस इज करेक्ट। देखिए इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब हम रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं ना, P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब इंटीजर के अंदर 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी आ गए, ठीक है। फिर रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गया, ओके। सो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।